बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अभी सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। इसी तरह क्वाड्रेटिक फंक्शंस होंगे जो नॉन फैक्टराइजेबल होंगे। मिसाल हमें ये दिया जा रहा है कि इसको रिजॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन में। 4x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2। तो आप देखिए, पहले डिग्री देखें, 3 है, इसकी डिग्री भी, इसकी 3 डिग्री है और इसकी भी 3 डिग्री है। तो अब आप देखें, सबसे पहले तो आपको कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिग्री एक इक्वल है। तो पहले तो ए करें, ए फिर प्लस, बाकी ये लीनियर है तो आप करेंगे बी अपॉन एक्स प्लस 1, फिर प्लस ये x² प्लस टी क्वाड्रेटिक है तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी अपॉन x² प्लस 2। तो अब आप देखेंगे इसमें जो है, सॉरी, इसमें एक वैल्यू तो मिलेगा, बाकी 3 वैल्यूज और मिलेंगे। हमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना पड़ेगा, तो ये आ जाता है 4x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू ए। इसमें आएगा x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2, फिर प्लस बी एक्स प्लस 1 तो इसमें है, बाकी आएगा x² प्लस 2, फिर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो पहले सी एक्स इसके साथ आएगा एक्स प्लस 1, फिर प्लस डी इसके साथ एक्स प्लस 1। क्योंकि कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना पड़ेगा तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये 4x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 5 वही है इक्विवेलेंट टू ए। एक्स इसको मल्टीप्लाई करेगा, यह आ जाएगा x³ प्लस 2x प्लस x² प्लस 2। एक्स प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस बी, यह आएगा x² प्लस 2 वही, फिर प्लस सी, यह आ जाएगा x² और प्लस एक्स, फिर प्लस डी एक्स प्लस 1। अब सब एक वैल्यू आएगी, लेकिन वो पहले पुट करके लेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, जितने वैल्यूज पुट करने से मिले हम लेंगे। माइनस 1 तो यह आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 9 प्लस का 5 मस्ट बी इक्वल। सब ए में पुट करेंगे, इसमें पुट करें तभी ठीक है, इसमें पुट करें तभी ठीक है, ऊपर सॉरी बी में पुट करेंगे, ए में नहीं कर सकते, ए बी से लिया था तो बी, बल्कि इसमें करें भी तो 0 आ जाएगा। बी में माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 5 माइनस 9 प्लस 5, 5 5 10 10 माइनस 13, तो ये आ जाएगा माइनस के 3 इक्वल टू 3 बी के, तो माइनस 1 आ जाएगा बी के। अब बी की वैल्यू मिल गई, बाकी कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे कितने हैं, देखें 1 2 3 अननोन है, 3 अननोन है, तो 3 हाईएस्ट पावर x³ x² और x, तो मैं इधर ही कर रहा हूँ। चलो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x³ x² एंड x, देखें 3 अननोन है, एक की तो वैल्यू बी की मिल गई, बाकी वो ए सी डी है, तो 3 हाईएस्ट पावर्स कंपेयर करने पड़ेंगे, x³ x² और x। x³ पहले करेंगे, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, इधर ए है, ए इंट वन ए भी और कोई नहीं, एक आ गया। फिर मैं x² का करूंगा, ये 5 इज इक्वल टू x² का 1 इंटू ए आ रहा है ए इधर, और प्लस ये बी है और प्लस सी है, वैल्यूज पुट कर दें, 5 ए की 4 है, बी की माइनस 1 है, प्लस सी, तो सी भी हमारा आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 है, 3 इधर जाएगा, बाकी 2 आ जाएगा सी के, सी हमारा आ जाता है 2 के। फिर बाकी आप एक और कंपेयर एक्स करेंगे, एक्स इधर है 9, 9 इज इक्वल टू एक्स, इसमें ये ए का 2 ए आएगा, देखें 2 एक्स है, 2 इंटू 2 ए, एक्स में से, इसमें से बी में से नहीं आ रहा, इसमें से प्लस सी और इसमें से आएगा प्लस डी, वैल्यूज पुट कर दें तो 9, 2 ए की वैल्यू है 4 प्लस सी की वैल्यू है 2 प्लस डी, तो यह जाएगा 9 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 प्लस डी, ये 10 आ जाएगा, यह जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू डी के। तो हैंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर पहले कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू आई है 4। अब देखें जो कांस्टेंट है, देखें ये क्या है, ए, ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की आई है हमारी 4, ए 4 है तो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 4, और फिर प्लस बी की आई है
एक्स प्लस वन है, बी की आई है माइनस वन, तो जाएगा प्लस माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर प्लस बी सी एक्स प्लस डी, सी की आई है टू, तो यह आ जाएगा टू आई है टू एक्स, और डी की माइनस वन आई है, तो टी एक्स माइनस वन अपॉन नीचे इसके एक्स स्क्वायर प्लस टू। इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा फोर, ये इधर लेके जाता हूँ माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और प्लस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो इस तरीके से ये होगा। देखिए इसमें पहले मैंने कांस्टेंट ऐड किया और फिर किया, तो ये आपके पार्शियल फ्रैक्शंस। इसमें देखिए क्वाड्रेटिक में आपको लीनियर फैक्टर ऊपर उसके साथ देना पड़ता है,